अक्षत, इस वॉल का क्या करना है यार? इसे नहीं, खाली पड़ा है। तब से हर जगह कुछ कुछ कर जा रहे हो, तब से बोल रही हूँ ये वॉल पे कुछ कर दो, तुम सुनते ही नहीं हो मेरी बात। मैं क्या करूंगा, कुछ तो करो यार। छोड़ो ना। हाँ, एक आइडिया आया। क्या? इस दीवार पे ऐसे ऐसे ट्रिम्स लगाएं, कैसा लगेगा? गुड आइडिया। चलो अपने फेवरेट स्टोर होम डिपो सामान लेने के लिए। यहाँ पे हमने ट्रिम्स ढूंढे, ट्रिम्स हमें मिले 1x2 8 फीट के। हमने ये काफ़ी अराउंड 20 हमने अपने कार्ट में रख लिए। हमें आइडिया नहीं था कि कितनी बड़ी वॉल है, तो हमने अंदाजे से ये ले लिए। पेंट्स के लिए हमने एक ग्लॉस, सेमी ग्लॉस लिया फॉर द ट्रिम, और जो वॉल के लिए था वो हमने फ्लैट पेंट लिया बेयर्स का, और जो हमारा कलर था वो ये था, विच वॉज क्रैक्ड पेपर। अंकिता, ये सब कुछ करने से पहले सामान तो हटाना पड़ेगा ना, तभी करते हैं। किस तरफ करते हैं सब कुछ? श्योर। लेट्स टैकल दोस ट्रिप्स। तो ये है हमारे रायोबी का माइटर सॉ, जिसे ट्रिम्स करना बहुत आसान होता है। करना कुछ नहीं है, लेजर लेवल है और बस एक कट आ जाएगा। हमने साइज़ के लिए हमारी वॉल की हाइट 7 फीट थी, तो हमने 8 फीट के जो ट्रिम्स थे उसको 5 फीट और 3 फीट में करा। एक काटने के बाद हमें काफ़ी इजी हो गया कि टेम्पलेट करके हम बस मार्क करा, एंड देन यूजिंग द माइटर सॉ मैंने उस पर कट करने शुरू कर दिया। बस डुप्लीकेट करते गया। इसके बाद बारी है पेंट करने की। हमने पेंटर्स टेप, जो किसी भी हार्डवेयर स्टोर या डॉलर स्टोर में भी मिल जाता है, उससे पूरे साइड्स कवर करे, ट्रिम पे अच्छे से वो लगाया। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रेप द प्लेस, ताकि आप बाकी जगहों पे पेंट ना लगा दो और फिर आपको फिर से बाकी जगह पे पेंट करने पड़ जाए। इसके अलावा हम एक ड्रॉप शीट भी लाए थे। डॉलर स्टोर में ये सब बहुत आसानी से मिल जाता है। ये ड्रॉप शीट लगाई हमने और साइड बोर्ड के साथ भी स्टिक कर दी, ताकि वो भी गंदी ना हो, बिकॉज़ पेंट तो गिरना ही गिरना है। अब टाइम है पेंट करने का। पेंटिंग सप्लाइज़ के लिए मेरे पास थी पेंट्री, जो कॉस्को के पहले के प्रोजेक्ट का था। ये छोटी पेंट्री मैं अभी होम डिपो से लाया, जो हमें ट्रिम्स थे उस पर फोम रोलर से पेंट करने के लिए। ये काफ़ी इजी लगता है और इससे अच्छी काफ़ी फिनिश आती है। इसके साथ साथ जो दो हम पेंट्स आए थे अलग अलग, जो फ्लैट वॉल के लिए और जो सेमी ग्लॉस था वो ट्रिम्स के लिए लाए थे। सो ये दो बेसिक सामान थे। दीवार पे एक पेंट कोट का हो गया है और बहुत सुंदर लग रही है। अभी दूसरा कोट करेंगे 1 घंटे बाद, जब ये सूख जाएगा। जब तक दीवार सूख रही है, तब तक जो हमारी ट्रिम्स हमने काटे हैं ये हम पेंट करेंगे। इसके लिए मैं एक स्पेशल पेंट लाया, विच इज़ फॉर कैबिनेट एंड ट्रिम ओनली। जो इसकी शीन है, दिस इज सेमी ग्लॉस, थोड़ा सा शाइन होएंगी ट्रिम्स पे, और जो दीवार है वो फ्लैट शीन है, सो उस पर थोड़ा फ्लैट फिनिश आएगी और ये थोड़ा चमकती हुई फिनिश आएगी। और इसके लिए ट्रिम्स के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ फोम रोलर, विच इज़ रिकमेंडेड फॉर सेमी ग्लॉस एंड ट्रिम्स फिनिश के लिए।
ये हमारा सेमी ग्लॉस फिनिश वाला पेंट है जो हम ट्रिम्स पे कर रहे थे। इसके लिए हमने, जैसे अक्षत ने कहा, फोम रोलर यूज़ कर रहे हैं और हमें दो कोट करने पड़ेंगे इस पर अच्छी सी शाइन लाने के लिए। इसको हमने हर कॉर्नर से ऊपर नीचे साइड में भी पेंट लगाया, ड्राई करके जब एक साइड हो गया था तो फ्लिप करके दूसरी साइड पे पेंट करी है। एंड वी मेड श्योर दैट वी हैड टू कोट्स ऑन दिस। तो अभी टाइम है 2 बजे रात के और अभी हमने दो कोट दीवार पे फिनिश करे हैं और दो कोट इन पैनल्स पे फिनिश करे हैं। तो वील वेट, सुबह को सब ड्राई होगा फिर हम इसको वॉल पे लगाएंगे। डे टू ऑफ अ प्रोजेक्ट, कल रात को 2 बजे हमने काम किया और अभी रात को 10 बजे अभी हम शुरू करने वाले हैं। पेंट सारा सूख गया है सो वील रिमूव द टेप्स। नेक्स्ट हमने एक टेम्पलेट फ्लोर पे पहले बनाई जस्ट टू सी कि कितना डिस्टेंस होगा और कितने हमें स्लैट्स लगेंगे। हमने डिस्टेंस के लिए अपना लेवलर यूज़ करा। नेक्स्ट हमने मेजर किया कि सेंटर कहाँ पे है, सेंटर वाला स्लैट हमने लगाया यूजिंग द लेवलर टू मेक श्योर कि सीधा लगे स्लैट। ये रायोबी का ब्रैड नेलर है जो अक्षत ने यूज़ करा। ये बहुत ईजी है यूज़ करने के लिए, कीलों की जगह आराम से ये नेल हो गए थे प्लेस में। यहाँ पे स्टड्स ढूंढने की ज़रूरत नहीं क्योंकि ये बहुत लाइट वेट MDF था। जब सेंटर का हो गया उसके बाद हमने डिस्टेंस देखा लेवलर यूज़ करके। हर दो स्लैट्स के बीच में एक लेवलर का जो विड्थ है उसका डिस्टेंस था। तो हमने इतना ख़त्म कर लिया है बट यहाँ पे रूल है कि आप रात को कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते हो और नॉइज़ नहीं कर सकते हो 10-10:30 बजे के बाद। तो हमारा वैसे भी टाउन हाउस है तो शेड वॉल है, वी डोंट वांट टू डिस्टर्ब द नेबर्स। तो हम लोग ये कल सुबह 7 बजे उठ के कंटिन्यू करेंगे बट अभी हमें समझ आ गया है तो फटाफट हो जाएगा। हेलो, सो टुडे इज डे 3। कल तो हमने कुछ ज़्यादा प्रोडक्टिव काम किया नहीं क्योंकि रात को बहुत लेट हो गए थे और आई थिंक नेबर्स वर गेटिंग डिस्टर्ब। सो अभी सुबह 7:30 बजे है। So now we are legally allowed to do any renovation work. So let's start the day now. इसके ऊपर आई थिंक हमें स्पैकलिंग की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बहुत छोटे नेल्स हैं। सो हम डायरेक्टली एक कोट और इन सब पैनल्स के ऊपर करेंगे जिससे वो फिनिश लुक भी आ जाएगी एंड आई थिंक दैट वुड बी द एंड ऑफ आवर प्रोजेक्ट। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर पेंट सूख गया, सो फाइनली अब टेप और प्लास्टिक शीट निकालते हैं।
I'm a mess. Don't know how I got here, but I'm blessed. Didn't know it'd take me past my destiny. You're behind me with the rest, 'cause I'm a mess. No more you. अच्छा लग रहा है अक्षत, बहुत गुड जॉब, हाई फाइव. वील सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय. क्या वॉल बनाई है वैसे तो. छूने का मन कर रहा है. क्या स्मूथ फिनिश है. You see through, gotta make space for the new you, like I'm old news in your rearview mirror. It must be nice.